गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अलका नेगी व्लॉग। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने गैत को पीस के मसाला बना दिया था परांठों के लिए, और बच्चों के लिए पनीर को ग्रेट कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी ने मक्खन बना दिया है, और सब कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और मम्मी सबको देती जा रही है गर्मा गर्म पराँठे। तो मैं जाती हूँ कपड़े स्पिन कर देती हूँ। आज तो बारिश हो रही है दिन भर, तो कपड़े भी थोड़े से ही धोए मैंने, क्योंकि फिर बारिश होगी तो सूखेंगे नहीं। तो ये कपड़े स्पिन कर देती हूँ। स्टैंड में डालूंगी कपड़े थोड़े ही हैं, और बारिश भी हो रही है, अभी तो रुक गई है, पर मौसम ऐसा हो रखा है, तो कल भी शायद ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल भी बारिश का दिखा रखा है। और आंगन में तो आज गाड़ियों की लाइन लगी है। ये आगे की दो एक्टिवा तो हमारी है, और पीछे की रैंक में भी आ गए हैं ऊपर, तो ये इनकी यामा बाइक और एक्टिवा है। तो गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है, इस तरफ फोर व्हीलर तो इस तरफ टू व्हीलर। तो कपड़े हो गए थे स्पिन, तो फटाफट से डाले स्टैंड में कपड़े। और बारिश के दिन इतना किचपिच हो जाता है, कहीं पे गाड़ियां रहती है, कहीं पे स्टैंड भी रखा है कपड़ों का, तो कहीं पे रेनकोट रहते हैं। और यहाँ पे पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो पापा रेडी होके जा रहे हैं विधायक जी के घर। तो अभी रेनकोट की भी तय लगा के रख देती हूँ साइकिल के ऊपर, और फिर चलती हूँ अंदर और करती हूँ ब्रेकफास्ट। और आजकल बारिश में ऐसा ठंडा लग गया है कि गला भी बैठ गया है, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तो चलती हूँ अंदर और फिर करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं लेके आ रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है मक्खन, मम्मी ने बनाया है, और ये चटनी पतिदेव ने बनाई थी कल, और ये है परांठे। ये एक है पनीर का परांठा और एक है गाद का परांठा। बच्चों ने खाया नहीं, किसी ने पनीर का खाया, किसी ने गाद का खाया। तो गाद का मेरे को इतना पसंद नहीं है, तो मैंने एक पनीर का बनवाया अंजू से और एक दाल का। तो अब करती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे बच्चों का गेम स्टार्ट हो गया है कार्ड्स, और कार्ड्स का बहुत सवार हो रखा है, कार्ड्स खेलना है। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस का काम। क्या हुआ, तुम्हें नहीं खिला रहे? और मैंने को खिलाया नहीं, वो भाग गई अपने रूम में, अभी छोटी है तो आता भी नहीं है खेलना। ब्रेकफास्ट हो गया है, और बाहर मौसम ऐसी है, सोचा था जाऊंगी मायके, क्योंकि दीदी आ रही थी, तो दीदी भी जाएगी अब कुछ टाइम, कुछ दिन बाद अपने ससुराल, तो सोचा था आ जाऊंगी, पर आज तो बारिश हो रही है, मम्मी पापा गाड़ी में छोड़ रही है, और बच्चे फरी सोच रहे कि धूप आती तो मम्मी चली जाती मायके, पर मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर देखने। कल भी शायद ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठे ही थे, तो परी ने गेम बताया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आजकल घर में यही गेम चलता रहता है कि एक मछली पानी में गिरी झपाक, और फिर उसके बाद दो तीन इतनी बार रिपीट करना पड़ता है। मैं रेडी हो गई हूँ मायके जाने के लिए, क्योंकि दीदी का कॉल आया था कि आजा आजा, तो जब वो इतना जबरदस्ती कर रही है तो चली जाती हूँ। तो हम जा रहे हैं मायके, और आज मायके जाना तो नहीं था क्योंकि बारिश भी हो रही थी मॉर्निंग से, पर जैसे ही धूप आई हल्की हल्की तो सोचा चल लेती हूँ, क्योंकि दीदी का भी कॉल आ रहा था बार बार कि आजा आजा, बारिश होगी तो छोटा भाई छोड़ देगा बड़ी गाड़ी में। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, पर मैंने उसको मना कर रखा था कि मैं नहीं आऊँगी, घर जाके ही दूँगी उसको सरप्राइज। तो जैसे ही घर की गली में पहुँचे तो हल्की हल्की बूंदें भी गिरने लग गई थी, तो मैंने इनको कहा आप यहीं पे छोड़ दो और हम चल लेंगे पैदल। तो चुन्नू को बोला मैंने भाग भाग के जाओ,
तो मैंने अपनी दीदी को छूट बोला था। आजा। क्या नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो, वहाँ मोर नानी और को भी नीचे से किया। तुम सच्ची समझा था। आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर और यहाँ पे मम्मी दीदी से खा रहे हैं मूंगफली और आज बनेगा कंडाली का साग। सच्ची में कंडाली का साग है क्या आज? कहाँ है कंडाली? सच्ची बना रही है चाय और धूप भी आने लग गई है और जहाँ हमारे थे तो हल्की हल्की बारिश हुई थी। तो ये है कंडाली, तो मम्मी मौसी ने इसको साफ कर दिया था और इसको बॉईल किया ना पहले, तो बॉईल करके सच्ची ने ये पीस दिया है मिक्सी में। होती तो ये वैसे हुई है, पालक ये होता है ना, साबुत लाल मिर्च भी भुने। कौन बनाएगा? भाभी बनाएगी। तो भाभी बनाएगी आज कंडाली का साग। तो मैं चलती हूँ रूम में। फिर रिद्धू अपनी दादी के पीछे बैठ के खा रहा है कुरकुरे की कोई मेरे से लेना। खा लिया? मम्मी के पीछे बैठ के छुपके खा रहा है कि कोई लेना मेरे से, चलाक लड़के। तो थोड़ी धूप आई थी तो मम्मी और बैठ गए थे यहाँ बरांडे में और चुन्नू रिद्धू भी यहाँ पे अपना साइकिल के साथ खेल रहे हैं। पर मैं तो बोल रही थी कि अंदर चलो क्योंकि धूप आ रही जा रही थी तो मेरे को तो लग रहा था ठंडा। मैंने कहा अंदर चलो, अंदर बैठ के ही गप्पे मारेंगे। तो फिर आ गए थे हम अंदर, थोड़ी गप्पे मारी तो फिर टाइम हो गया था लंच का। तो यहाँ पे सुची सबके लिए रख रही थी लंच और बंटी खाता नहीं है ये कंडाली, खुद खाता नहीं और बच्चों को बोलता है कि खाओ खाओ। तो बंटी के लिए चावल फ्राई कर दिए थे सुची ने। तो यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं और डाइनिंग में कोई नहीं बैठता है, सोफे में कोई नीचे बैठ जाता है। तो बस सब कर रहे थे लंच और बंटी ने खाया थोड़े चाप जो भाभी ने बनाए थे रात में, तो बच गए थे। तो मैंने कहा थोड़े मैं भी खाऊंगी, टेस्ट करूंगी कि भाभी ने कैसे बनाए हैं चाप। तो चाप और कंडाली का साग बहुत ही टेस्टी हो रहा था। पहले मेरे को लगा कि कंडाली का साग पता नहीं कैसा होगा पर बहुत टेस्टी हो रहा था। तो मैंने आज चावल एक्स्ट्रा खा लिए थे और 2 साबुत लाल मिर्च भी खाई साथ में। लंच हो गया है और अब लेटेंगे थोड़ा सा। बैठ गए खाते बैठ में और बारिश हो रही है। मन तो कर रहा था लेटने का पर मम्मी का बिस्तर हो गया था फुल, सब बैठ गए थे तो जगह थी नहीं लेटने की। सब तो सोच तो सभी रहे थे कि लेट जाते पर जगह नहीं मिली तो सब गप्पे मारते रहे। और फिर थोड़ी गप्पे मारी फिर हो गया था टाइम चाय का। तो सुची ने बना दी थी गर्मा गर्म मोमो और चाय तो मानसी ने बना दी थी। मोमो खा लिए? अच्छा बाय मिशी। चलो चुन्नू तो मैं चलती हूँ घर और बंटी मेरा भाई छोड़ेगा, बारिश नहीं हो रही तो एक्टिवा में छोड़ देगा फिर। और भाट तो मैं आ गई हूँ ससुराल और छोटे भाई ने छोड़ने आ गया था तो बैठी रही, थोड़ा रूम साफ किया क्योंकि परी और उसके पापा ने रूम इतना फैला दिया था। और यहाँ पे परी कर रही है अपना होमवर्क। अच्छा बेटा जो यहाँ पे तूने क्राफ्ट का जो जितना भी काम किया ना वो सारा फैला रखा था, तो थोड़ा समेटा और फिर थोड़ा बैठ गई थी। अब जाती हूँ किचन में सब्जी बनाने, तो आज बनेगी आलू बड़ी की सब्जी। तो हस्बैंड तो अभी गए हैं पार्टी में तो हम तो बनाते हैं और फिर करेंगे डिनर। तो सब्जी बन गई है और अब करते हैं डिनर। और चुनू खाएगा आज आलू न्यूट्री की सब्जी। अच्छा खाओगे है? आलू पराठा नहीं है बेटा, गैत का पराठा है। गैत को बोलता है गैत। तो करते हैं डिनर और हस्बैंड जब आएंगे अगर खाएंगे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा बनी है दोनों भाइयों के लिए। तो करते हैं डिनर, तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए गुड बाय।